या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ दोस्तों, माँ का एक रूप विद्या भी माना गया है। तो जब हम विद्या की बात करते हैं करियर काउच पर, ये कैसे हो सकता है कि दुर्गा पूजा पास हो और हम दुर्गा पूजा की तैयारी की बात ना करें। तो दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू बैक ऑन करियर काउच विद शुभांकर। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है दुर्गा पूजा, जो कि अब कुछ ही दिन की दूरी पर है, और जिस नवरात्र की जो तैयारी जो की जा रही है अलग अलग पंडालों पर, वो किस प्रकार से है वो आज हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग प्रकार के पंडाल। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपको, आपको शायद सुन के बहुत ताज्जुब होगा, जी हाँ, लखनऊ जैसे शहर में, ये कलकत्ता नहीं है, ये लखनऊ है, और लखनऊ के इस शहर में विश्व रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने वाला एक यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है, सबसे हाईएस्ट पंडाल। और ये रेप्लिका उस मंदिर का है जो मंदिर वृंदावन में अभी तैयारी हो रही है, यानी असल मंदिर के तैयारी से पहले ही कुछ हौसले लखनऊ में ऐसे उजागर हुए, कुछ हौसले ऐसे बुलंद हुए कि उन्होंने उस सपने को पहले से सच करके दिखाया। और टॉलेस्ट पंडाल इन द वर्ल्ड, हम उसकी तरफ बढ़ चले हैं। पीछे जो आप हमारे पीछे जो भी ढांचा देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, जो पूरा ढांचा यहाँ पे है वो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पंडाल का, जो कि लखनऊ, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में आपके शहर में आने जा रहा है। कैसे करके ये पंडाल तैयार हो रहा है, हम एक्चुअली इसकी स्टोरी शुरू से करते आ रहे हैं। इस स्टोरी का जो समापन होगा वो हमारे दुर्गा पूजा के साथ साथ होगा, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। आज हम बात करेंगे, जब इतनी सारी बातें होती हैं, हमने जब करियर्स की बात करते हैं, प्लानिंग, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इन सारी चीज़ों का जो माहौल है यहाँ पे आपको सजा हुआ मिलेगा, करियर कितनी खूबसूरती से सच के आता है। उसी तरीके से आर्किटेक्चर अगर हम पौराणिक समय से देखते आएँ, वो जिस तरीके से इवॉल्व हुआ समय समय पर, वो अपने आप से जो डेवलपमेंट का रास्ता निकालता गया, वो काबिले तारीफ है, आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। और ऐसे ही एक अद्भुत नज़ारा और एक अद्भुत किस्से का आप और हम भागीदारी होने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं उत्सव सार्वजनिक पूजा की तरफ, और इस पूजा कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे, जिनका नाम है सौरभ बंदोपाध्याय, और उनसे पूछेंगे इसकी कहानी क्या है, कैसे ये साहस हुआ 135 फुट ऊंचा पंडाल। इस 135 फुट ऊंचे पंडाल की कहानी हम जानेंगे सौरभ दादा से। चलते हैं सौरभ दादा से बात करने, आइए। तो दोस्तों, जिस सौरभ दादा की हम बात कर रहे थे, अब वो हमारे साथ उपस्थित हैं, और हम जानेंगे सौरभ दादा से, यानी सौरभ बंदोपाध्याय जी से, कि इस 135 फीट ऊंचे पंडाल के हौसले आए कहाँ से, इसकी सोच कहाँ से आई, इसकी कहानी इसके पीछे क्या है। दादा, करियर काउच के इस कार्यक्रम पर, प्राइम टीवी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो ये काम कर रहे हैं, ये 135 फीट ऊंचा पंडाल लखनऊ में, वही मैं अपने दर्शकों से बता रहा था कि हम कलकत्ता में नहीं मौजूद हैं, और ये जो हौसले आप देख रहे हैं वो हमारे अपने लखनऊ से हैं। तो दादा, ये कहाँ से आया, ये सोच कहाँ से बनी? जब 2019 में मैंने विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल बनाया 40,982 स्क्वायर फीट का, जिस दिन उस पूजा की मैं समाप्ति कर रहा था, उसी दिन से मेरे दिमाग में था कि इसके आगे क्या हो सकता है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, सोचा समझा, तो देखा कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा, दो चीज़ें जो हैं वो मेरे हाथ में। तो छोटा का तो मेरे दिमाग में बात आती नहीं है, तो सबसे बड़े के लिए मैंने ट्राई किया और उसी के लिए मैं लगा हुआ हूँ। हो सकता है कि इस बार हमको सबसे बड़े विश्व का रिकॉर्ड बनाने का मौका मिल जा रहा है। बहुत खूबसूरत बात है कि विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा आप बना चुके हैं और सबसे ऊंचे की आप प्राप्ति करने जा रहे हैं। दादा, ये जो प्लान हुआ, नेचुरली बहुत दिन लगे होंगे, कितने दिन से कारीगर और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? प्लानिंग तो आप समझ लीजिए एक साल की है। जिस साल 2021 की पूजा मैंने ख़त्म की थी, उसी समय मैंने जो उस स्मार्ट पंडाल जिसने बनाया था उसके साथ बैठ के मैंने उसको नवंबर में एडवांस दे दिया था। अब उसकी मेहनत शुरू हुई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम था वो था कि इस स्ट्रक्चर को बांस के ऊपर
खड़ा रखना और वो भी लगातार 3 महीना जी। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी था, एक तो हवा किस डायरेक्शन में जा रहा है और हवा किस डायरेक्शन से आ रहा है उसका पहले संज्ञान लेना, दूसरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सबसे बड़ा एक मुद्दा था, इसको करने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हमारे पास परमिशन होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम करने जा रहे थे वो मोटा मोटी 14 मंजिल समझ लीजिए, तो 14 मंजिल कोई भी बिल्डिंग आप बनाने जाएंगे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का परमिशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए लोकेशन को पहले जब दिखाया उनको तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ फ़्लाइट्स की कोई दिक्कत नहीं, इधर से कोई फ़्लाइट है नहीं। उस समय जब जिस समय मैंने इस काम को प्लान किया था, लेकिन पिछले महीने इंडिगो ने एक फ़्लाइट यहाँ पर इस डायरेक्शन से दिया जो कि बॉम्बे से आती है और लखनऊ ये ऊपर से फ्लाई करके वो उतर लैंड करती है, तो वो भी हमारे दिक्कत की बात नहीं क्योंकि वो मोटा मोटी 3,500 फीट ऊपर पे रहती है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो प्रॉब्लम आएगा उसके लिए हमने समाधान कर लिया है, वो लाइट की, लाइट की जो फोकसिंग है वो पंडाल के ऊपर ही रहे, पंडाल से ऊपर ना जाए, तो उसकी पूरी व्यवस्था हमने कर ली है और जो लाइटिंग का सिस्टम है वो मैंने उसी तरह से किया है उसका, तो वो प्रॉब्लम मेरे नहीं आएगी, इसलिए रिकॉर्ड ये बनना मोटा मोटी अब तय है। दादा हौसले की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि जिस तरीके से ये बन के खड़ा हो रहा है, और जैसे कि ये आपने प्लानिंग की बात बताई कि इतने दिनों से साल भर से इसकी प्लानिंग चल रही थी और धीमे धीमे आज इसका रूप जो है आप उसको सामने देख पा रहे हैं। दादा एक बात पूछूंगा, ये जितने कारीगर हैं ये सब कारीगर के सब बंगाल से ही आए हुए हैं कि कुछ लोकल कारीगर भी? लोकल कारीगर सिर्फ 2 जने हैं, जो मेरा खाना पीने का जो सामान है उसको लेके आना उनका काम, और एक जो उस खाने पीने के सामान को कैरी करता है, ये 2 लोग जो हैं वो लोकल हैं, बाकी 52 टोटल स्टाफ है, ये सारा वेस्ट बंगाल का है और सारे लोग उसमें अनपढ़ हैं, सारे लोग उसमें अनपढ़ हैं। और दूसरी चीज़ एक और है जो कि मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, 52 तो मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं, 52 में से करीब 40 ऐसे लोग हैं जो कि मेरे साथ पिछले 10 साल से पंडाल के काम में अपना मेहनत कर रहे हैं और बहुत गरीबी में ये लोग अपनी लाइफ लीड करते हैं। यदि इनके द्वारा हम इस तरह से पंडाल ना बनवाएं तो ये साल भर अपना खाना नहीं जुगाड़ कर सकते हैं, ये 3 महीने की इनकी मेहनत होती है, इसी से जो पैसा अर्न करते हैं इससे वो बाकी का 9 महीना अपना गुजार करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मुझे इनके द्वारा इनके परिवार को चलाने के लिए इस तरह से कुछ ना कुछ हर साल सोचना ही पड़ेगा। बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों, वाकई बड़ी विडम्बना है, इतनी खूबसूरत जो जिनके हाथों में इतनी खूबसूरत कला है, अगर वो लोग अगर भूखे पेट सोएं तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने शिल्पकारों को उनके साथ हम न्याय नहीं कर रहे। हमारा ये देखना जरूरी है, अनिवार्य है कि कहीं ना कहीं इन सबको काम मिलता जाए, बात सिर्फ सरकारी तंत्र की नहीं होती कि वो लोग कैसे करके हेल्प करते हैं, अगर हम लोग भी ऐसी योजनाबद्ध तरीके से कुछ ना कुछ नया करते जाएं तो ये शिल्पकार इनकी शिल्पकारी वो जीवित रहेगी। दादा बहुत खूबसूरत आपकी सोच है और जिस तरीके से आप ये लगातार करते आ रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा ये जैसे आपने कहा कि ये पूरा बनता चला जा रहा है, अभी बारिश का मौसम है तो बारिश आंधी भी आई होगी, सब कुछ चला होगा, तो क्या आपको कहीं डर नहीं लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर उखड़ जाए और समय से पूरा ना हो पाए? अब तो दुर्गा पूजा भी सामने है और अभी भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये इसको कैसे करके आप मतलब कैसे फेस कर रहे हैं इसको? जिस दिन मैंने 7 अगस्त को पहला खूंटी पूजा किया था उसी दिन यहाँ के आसपास के लोगों ने हमसे यही कहा था कि आप कह रहे हैं कि करीब करीब 10 से 12 हज़ार बांस आपको लगेगा और पूरा लखनऊ यदि आप ढूंढ लेंगे तो आपको 10,000 बांस नहीं मिलेगा, तो आप कैसे इस चीज़ को पहले मीट आउट कर रहे हैं? तो मैंने कहा था कि आप परेशान ना होइए, मैं 28 से 32 फीट के बांस भी अरेंज करा चुका हूं और वो सब यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आसाम से 6 ट्रक अलग से बांस यहां मंगाया है और उस बांस का एडवांस हमने 6 महीना पहले किया था क्योंकि हमको स्ट्रेट बांस चाहिए था, तो वहाँ पर उस स्ट्रेट बांस को ढूंढने के लिए और उसको रखने के लिए उन्होंने हमसे पेमेंट लिया है और बांस का खर्चा सिर्फ हमारा आया है करीब 10 लाख 10.5 लाख रुपया सिर्फ बांस का। तो
प्लानिंग उसी तरह से मैंने किया है। उसके बाद बॉटम है, करीब बॉटम हमारा 6 लाख क्यूबिक स्क्वायर फीट लग रहा है, तो वो बॉटम की यहाँ पर एक एक चीज़ को काटना, उसको सेट करना, वो सारा काम यही लोग खुद कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात है, इनके हाथ में किसी में इंच टेप नहीं है, किसी के हाथ में इंच टेप नहीं है, सिर्फ ये अपने दो सुतली को नाप के ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा किया है। इनके पास कहीं भी कोई मेजरमेंट करने का कोई चीज़ सामान नहीं है, ये सिर्फ एक पाइप में पानी भरते हैं और उससे दोनों किनारे को लेबलिंग कर देते हैं, उससे पानी के वाटर लेवल को देख के ये लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये उनकी कला है, कैसे वो बना रहे हैं वो जानते हैं। बीच में एक थोड़ा सा हिचक हमको आया था जब ये 90 फुट पे था, तो एक दिन बहुत ज़बरदस्त आंधी आई थी तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिल रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो अभी हिलने लगा तो कैसे 135 फुट तक जाओगे। तो बोला दादा परेशान मत होइए, पीछे से मैं दूसरा लेबलिंग एक और स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, आप पीछे जाके देखिए बिल्ड कैसे एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग होती है और दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, वैसे ही बांस से एक और स्ट्रक्चर पीछे उन्होंने खड़ा किया करके दोनों को बैलेंस कर दिया है। अब इसमें आंधी हो, तूफान हो, एनिमन की भूमि कंप भी हो जाएगा तब भी स्ट्रक्चर हिलेगा नहीं। ये पूरा पंडाल जो है 3D एंगल पे बना है। जब 3D एंगल पे बना है तो आप किसी भी कोने से इस पंडाल को देखेंगे तो आपको तीन तरह से पंडाल दिखेगा। तो उसका सबसे बढ़िया रोल आपको दिख रहा है कि जो स्ट्रेट वे में देखिए, ये इसको एंगलाइज करके कोई 75 पे है, कोई 85 डिग्री पे है, कोई 60 डिग्री पे है, और मैक्सिमम जो आया है वो 55 डिग्री तक आया है। तो ये सारा कैलकुलेशन उन्होंने यहाँ पर बैठ बैठ के फीते से किया है, कहीं मेजरमेंट का कुछ नहीं है, लेकिन मिला लीजिए इधर से उधर मिला लीजिए, उधर से इधर मिला लीजिए, एक रत्ती भी इधर उधर नहीं मिलेगा आपको। दादा बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम लोग देखते हैं कि जब ऐसे कोई बड़े आर्किटेक्चर्स ऐसे मॉन्यूमेंट जब कहीं बनता है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स होते हैं जिन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ के आते हैं, विदेशों से पढ़ के आए हुए आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, डिज़ाइनर्स, वो लोग लगते हैं। और यहाँ पे आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग जिनकी कोई बेसिक शिक्षा तक नहीं है, उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर को पूरा रूप दे डाला, उसके डायमेंशन को बना डाला, उसके डिज़ाइन को बना डाला। कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है जो शिक्षा के प्रति, कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही एक उसको हम लोग मेन कोर्स के हिसाब से लेते हैं, कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशनली से जो चली आ रही है वो कितना बड़ा स्ट्रक्चर देती है। दादा ताज्जुब होता है ना। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इनके साथ 2.5 महीना हमारा जो बीत रहा है उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है, ये लोग मेरे साथ पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन एक नई टीम जिनको कि थोड़ा टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वो स्ट्रांग है, वो लोग जो जैसे काम किए उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा तब आपको समझ में आएगा कि जब एक स्ट्रक्चर 90 फीट उड़ने के बाद थोड़ा सा उनको लगा कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकता है, तो उन्होंने तुरंत इसको सोचा रेक्टिफाई करने के लिए। उन्होंने पीछे से एक देखिए दूसरा स्ट्रक्चर और खड़ा कर दिया। अच्छा ओके, यानी पीछे एक और स्ट्रक्चर खड़ा है ताकि वो सपोर्ट, उसको ऐसा सपोर्ट दे दिया है कि अब भूमिकंप भी आ जाएगा तो भी नहीं बिल्डिंग मिलेगी, वो अलग से बिल्डिंग है, वो एक अलग पीछे से काट के उसको लेके चले गए ऊपर। वाओ, तो मानना पड़ेगा ताज्जुब की बात है। और ये एंगल में खड़े हुए देखिए स्ट्रेट है पूरा, यहाँ से खड़े हुए देखिए पूरी चीज जो है आपको स्ट्रेट दिखेगी। वाह, यानी एक तरीके से 3D एक इमेज भी क्रिएट हो रहा है, हर तरफ से अगर देखा जाए तो डिज़ाइन कंप्लीट है और उसके हिसाब से उसको एक स्ट्रक्चर की मजबूती भी दे दे रहा है, पीछे से एक स्ट्रक्चर की मजबूती प्रदान कर रहा है। दादा एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये इतनी बल्लियाँ इतनी चीज़ें यहाँ पे लगी ऊपर तक जाने की, जहाँ पे ऊंचाई तक की बात हुई तो क्या कहीं डर नहीं था कि ये लोग कैसे हार्नेसिंग कर रहे हैं, कैसे? मैं उस पर आ रहा हूँ, आज यदि कोई चाहे तो इसमें RCC कर सकता है, इसी स्ट्रक्चर पे RCC हो जाएगा। इन्होंने 4x4 के ब्लॉक्स बनाए, तो 4x4 के ब्लॉक्स में क्या हुआ, यदि किसी का पांव फिसला भी तो वो 4 फीट के अंदर ही गिरेगा। ताज्जुब की बात है, कारीगरी देखिए दोस्तों, मतलब बंगाल से आए कुछ लोग, उन्होंने यहाँ पे आके ऐसा एक सपना देखा और वो चीज जिसका स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं है उसको एज्यूम करके, उसकी सोच बना के, उसका ढांचा देख के, उसकी डिजाइन देख के आज इतनी बड़ी एक इमारत
उसकी देख, उसकी मॉडल, इसके आपके सामने खड़ी, इसके रेप्लिका बनाने में सक्षम हुए, रेप्लिका उस चीज का जिसका ओरिजिनली अभी तक नहीं बना। ताज्जुब है दादा, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन दादा साथ ही साथ ये जो कारीगर है, वाकई उनको तो जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन दादा एक बात, मैं कहा हूँ कि इनके परिवार को लेके ही मैं चल रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझको और 12 लोगों को परिवार ऐड हो गया, क्योंकि जो ये जो रेक्टिफिकेशन हुआ है, ये रेक्टिफिकेशन उनके दिमाग में नहीं था, ये इस जो नई टीम आई 12 जनों की, उन्होंने इसको तुरंत रेक्टिफाई करके स्ट्रेट कर दिया इसको। दादा एक चीज़ बताइएगा, जैसे जब ये पूरा पूजा का जब समापन होगा, उसके बाद जब इसको फिर से एक चीज़ को बनाया जाता है, फिर जो है सिर्फ 4-5 दिन की हम लोग की पूजा की जो पूरी कहानी है वो षष्ठी से लेकर दशमी तक की है, उसके बाद फिर से उसको डिस्ट्रक्चर किया जाता है, उसके बाद फिर से ये उस समय की इमोशनल एक कैसा उमड़ता है, इतने महीनों का जो पूरा जो मेहनत है वो सिर्फ इन 4 दिनों के ऊपर टिका रहता है, उस समय के इमोशंस कैसे होते हैं, कैसी फीलिंग होती है? बेसिकली क्या है कि हम उस फीलिंग को इसलिए लाने नहीं देते हैं, हम अगले साल की तैयारी शुरू कर देते हैं दशमी वाले दिन। बहुत खूबसूरत कि मैं उस फीलिंग को ले लूँगा तो मैं अगले साल कब तैयारी कर नहीं पाऊँगा, तो जो मुझे अगले साल करना है वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में आ चुका है और ऑलरेडी मेरा डिस्कशन एक लेवल पे हो गया है। दूसरे लेवल का डिस्कशन जिस दिन ये लोग डिसमेंटल करना शुरू करेंगे ना, क्योंकि इसको डिसमेंटल करने में भी उनको 25 दिन लगेगा, बनाने में उनको करीब 2 महीना लग रहा है और इसको डिसमेंटल करने में भी 20 से 25 दिन लगेगा, तो वो 25 दिन तो ये लोग यहीं रहेंगे ना, तो उस दौरान बाकी चीज़ें जो अगले साल होना है उसकी हम मोटा मोटी एक उनको स्केच उनसे कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप RCC कर दीजिए, ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, इतना स्ट्रांग इन्होंने बनाया है, लेकिन हम तो उसमें RCC नहीं करेंगे ना। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है वो बॉटम पे हमारा जो कपड़ा लगाने का है वो है, 4,500 मीटर कपड़ा आया है, 4,500 मीटर, ठीक है, 12,000 बांस में लगा हुआ है और 6,50,000 क्यूबिक फिट आपका बॉटम इसमें लगा हुआ है और 5 क्विंटल नेल्स, और उसके साथ साथ समझ लीजिए करीब 6,00,000 सुतली भी इसमें लगी हुई है बांधने के लिए, जो सुतली यूज़ किया गया है। अब आइए जो डिज़ाइन को जो निकाल के बाहर लाना है उसको किस तरह से यहाँ पर इन्होंने क्राफ्टिंग किया हुआ है पूरी टीम, तो जिस बिल्डिंग का जो रूप है असली रूप जो है क्राफ्टिंग का, वो इन्होंने ऑलरेडी एक लेयर में करके रखा हुआ है। अब इसका कपड़े के ऊपर इसकी फाइनल जो है टचिंग होगा, फाइनल टचिंग से पहले आप इसको देखिए किस तरह से इन्होंने नक्काशी किया हुआ है। दोस्तों ये है, आप देखते होंगे जो बड़े बड़े मंदिरें बनती हैं, उन मंदिरों पे आपने देखा होगा कि पहले से उसके जो नक्काशी वाले जो काम होते हैं उसको करके अलग से रखा गया होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी नक्काशी किए हुए जो एक एक काम है वो सामने पे लगा हुआ है। और ये बहुत ही मतलब कहने के बहुत सॉफ्ट प्रोडक्ट होता है, थर्माकोल या सोला का जो काम होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप डिज़ाइन देखिए इतनी खूबसूरती से लाई गई हैं, एक एक डिज़ाइन परफेक्ट, हाथ का काम देखिए दोस्तों, ये चीज को करने में एक एक चीज के डिजाइन वहां तक बनी पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन पूरे इस डिजाइन को सामने से दिखाएं, स्ट्रक्चर का एक एक हिस्सा यहां पे पड़ा हुआ है, कल यही हिस्सा जब इस पंडाल के ऊपर आपको सजा हुआ मिलेगा उसका रूप कुछ और होगा, इसको देख के आप और हम वाहवाही करेंगे। और यही स्ट्रक्चर आज यहाँ पे जब पड़ा हुआ है तो देखिए हम लोग की जो उम्मीद हुई होती है कि उम्मीद से पढ़ के ये जो एक शेप निकल के आ रही है वो कैसे करके बना होगा, कितने दिन की मेहनत लगी होगी, स्ट्रक्चर का एक एक हिस्सा अलग अलग इंसान बनाता है, बहुत खूबसूरती से एक एक हिस्से को लिया गया है। अगर आप देखिए गुंबद से लेके उसका चक्र से लेके एक एक पॉइंट को इलैबोरेट करना अपने आप में डिजाइनिंग की पराकाष्ठा है, बहुत खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं जो कारीगर इतने दिनों से आके रहते हैं उनके लिए पूरा रहने की पूरी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, और जिस तरीके से ये लोग एक टेम्प्ररी, इनके लिए हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर देखें तो ये लोग यहीं पे रहते हैं 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने का ये जो मेहनत है वो किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से किया जाए, इसका स्ट्रक्चर किया जाए, इन लोगों को साथ में रहने की पूरी सुविधाएं मिलना। आप अगर देखें यहाँ पे कील वगैरह सब पड़ी हुई हैं जिसको वो लोग एक एक चीज़ को अलग करके रखते हैं, उनको पता है किस साइज़ की कील कहाँ लगनी है, हर एक चीज़ ये स्ट्रक्चर तक इन्हीं का खड़ा किया हुआ है। और 52 लोग दोस्तों, 52 लोगों की टीम
छह महीने से मेहनत, और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इसको पूरा प्लान किया जाता है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना है। ये वो कपड़ा है दोस्तों, 4,500 मीटर कपड़ा, जो कि इस पंडाल को सुंदर तरीके से सजा के एक मजबूती से सामने की इमारत को एक खूबसूरत रूप देगा। और इसी को देख के हम सराहेंगे दोस्तों, आज ये कपड़े अस्थान में पड़ा हुआ है, कल इस ये जो खूबसूरत पंडाल बन रहा है इसका रूपांतर कर देगा। ये देखिए यहाँ पे उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो रही है, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं यहाँ, खाना पीना खुद का बना के खाना उनको रहने। इधर एक पूरा वर्कशॉप बनाया, आइए देखें ये वर्कशॉप का भी थोड़ा सा चित्रण करते हैं। ये देखिए ये पूरा जो है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर फोकस किया जाए तो ऑलरेडी उसके ऊपर जो काम है उसके ऊपर रंगाई और ये सब ऑलरेडी हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जिसकी रंगाई वंगाई हो चुकी है। मुझे अभी भी ताज्जुब लग रहा है, समय इतना कम है और इतने कम समय में क्या वाकई ये सारी चीज़ें लग चुकी होंगी। लेकिन मैं जानता हूँ जब हौसलों ने यहाँ तक पहुँचा दिया है तो ये हौसलों को रोकना बहुत कठिन होगा, और बहुत खूबसूरती से बन रहा है। वॉशरूम उनके लिए टेम्प्ररी, पानी की व्यवस्था, उनका सब चीज़ एवरीथिंग टेम्प्ररी, कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है, एकदम ये एक पूरा पार्क है उस। बट मैं यहाँ के लोगों को मैं सराहनीय करता हूँ कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया कि 2.5 महीने के लिए उन्होंने इस पार्क को, उन्होंने अपने मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब छोड़ दिया है। अच्छा दादा, ये जो पार्क है ये क्या सोसाइटी का पार्क है, सरकार की तरफ से आपको कुछ बेनिफिट मिला है? नगर निगम से एक दुर्गा पूजा पार्क उन्होंने उसको कर दिया, बाहर देखिए देखो लिखा हुआ है पूरा एकदम। सो ये आपको ऐसे में इसका कोई फ्री ऑफ चार्ज रहता है सरकार की तरफ से आपको डायरेक्टली? नहीं नहीं नहीं, हमको तो परमानेंट 99 ईयर्स के लीज में दे दिया है उन्होंने हमारी तरफ से आपको, कि आपको जगह परमानेंट मिली। तो ये साल दर साल आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। खूबसूरत से खूबसूरत और हर बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक खूबसूरत डिज़ाइन, ऐसा खूबसूरत पंडाल हर साल आपको देखने को मिलेगा। आइए कुछ और चीज़ों के ऊपर गौर फरमाते हैं। तो दादा अब हम जब स्ट्रक्चर के अंत पर हम ये कवरेज पर ला रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, खूबसूरत पंडाल भी बन गया, पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या इतना जो पूरा जो डिसमेंटल किया जाएगा उसमें से कितना ये कैसे करके आप डिस्पोज ऑफ करते हैं कि रिसाइकिल होता है? इसमें से सिर्फ थर्मोकोल जो है वो रिसाइकिल होता है, जितना थर्मोकोल कटिंग हो गया है आप देखेंगे यहाँ पर एक पीस भी कहीं भी आपको वेस्ट थर्मोकोल नहीं दिख रहा है जी। जबकि 4-4.5 ट्रक थर्मोकोल आया है अभी तक, तो वो डे जिस दिन कटिंग होती है उसके बाद रात को जितना भी बचा होता है जहाँ से थर्मोकोल आ रहा है वहीं वापस चला जाता है उनके पास, उसको फिर अगले प्रोडक्शन में वो उसमें जोड़ देते हैं उसको। तो दादा ये जो जैसे ये थर्माकोल का हो गया, बाकी जो बल्लियाँ होंगी इसके ऊपर जो जो स्ट्रक्चर, बल्लियाँ का जो मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो आसाम से जितनी बल्लियाँ आई हैं उसको तो हमको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि 32 फुट की बल्ली यहाँ पर मिलती नहीं है, 28 फुट की बल्ली यहाँ मिलती नहीं है, यहाँ 20-22 फुट की बल्ली मिलती है। जितनी 32-28 फुट की बल्लियाँ हैं उसको रखने के लिए मेरे पास जगह है, मैं उसको रखूँगा, क्योंकि ये बल्लियाँ नेक्स्ट ईयर मैं काम करा लूँगा इससे। तो मतलब बल्लियाँ आपकी रह जाएंगी, थर्माकोल जो है वो थोड़ा सा रिसाइकिल, लेकिन थर्माकोल को आप नेक्स्ट ईयर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बाकी जो कपड़ा वगैरह ये सब जोड़ा तो सुतली बन जाएगा अगले साल का। अच्छा, लेकिन इतना कपड़ा 4,000 मीटर का कपड़ा है। जितना कपड़ा लगा है, जितना सुतली लगा है ना, ये पिछले साल का कपड़े का ही तो सुतली है। अच्छा देखिए कितना अच्छा तरीका है, दिस इज कॉल्ड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो कितनी खूबसूरत बात है कि आज का जो वेस्ट है वो कल का बेस्ट बन के फिर से एक बार आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों ये थी कहानी इस पंडाल की। अब हम लोग पंडाल के अंदर चलेंगे और शिमुल आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है, अंततः ये दुर्गा जी की पूजा है, तो माँ दुर्गा की प्रतिमा उसकी कहानी क्या है, उसके जो शिल्पकार आए हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और ये पूरी जो शिल्पकला है वो यहीं से हो रही है दोस्तों। तो दुर्गा पूजा अभी बाकी है, और हम आपको बता दें हम समय समय पर ये कहानी लाते जाएंगे, बार बार कह रहा हूँ हमसे जुड़े रहिएगा, ये कहानी आपको अंत तक हम ले जाएंगे। इसको कैसे कैसे हर दिन यहाँ पे लोगों का आना, ये जो हमारा जो बंगाली कल्चर वो लखनऊ में आके यहाँ पे मिश्रित होकर कितनी सुंदर तरीके से 4 दिन नवरात्रि हमारी तरफ से आपको एक तोहफा रहता है, बंगाली समाज का एक तोहफा रहता है, वो हम देखते जाएंगे।